डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं कोलकाता शहर का रहने वाला हूँ। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी आप बीती है। मैं जिसे ये कहानी सुनाता हूँ कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। इसी कारण मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है और मैं बिल्कुल मौत के सामने खड़ा हूँ। कोई तो भरोसा करे, कोई तो भरोसा करे, इसीलिए आपके सामने अपनी एक कहानी लेकर आया हूँ। बात लगभग 2 साल पुरानी है। कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था मैं। मेरे दोस्त मोहन और सम्राट, हम तीनों की एक टिकड़ी होती और हम कॉलेज में धमा चौकड़ी मचाया करते थे। तीनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द लड़कियाँ भीड़ बनाकर खड़ी रहती और हम लड़ने में भी शेर थे। लड़कियों को कभी कभी ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जो उनके लिए लड़े, और हमारा काम तो लड़ना था। बेवजह झगड़ा किया करते, लेकिन किसी को भी पीछे का कारण नहीं पता था। पूरा दिन हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते और शाम के वक्त वोडका के एक एक दो दो पैग लगाकर घर पहुंच जाते और सो जाते। सारी चिंता हमारी दूर हो जाती। अगले दिन फिर से हम कॉलेज पहुँच जाते, फिर से लड़कियों के सामने अपना स्टाइल दिखाते। यही हमारी रोज़मर्रा बन चुकी थी। और इस तरह हमारी ज़िंदगी में 3 लड़कियां भी आई थी। मैंने नेहा से प्यार का वादा कर दिया था और वो मुझे पसंद करती थी, और शायद वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए मैं भी उसे दिल दे बैठा था। मोहन को कोमल नाम की एक लड़की पसंद आई थी जो कि काफ़ी नटखट और शरारती थी। हर बार उसे जैसे सताया करती, लेकिन प्यार भी उससे बहुत ज़्यादा करती थी। और सम्राट को रचना पसंद आई थी, एक बेहद ही शरीफ, नज़रें झुकाकर रखने वाली लड़की। और हम तीनों की तिकड़ी को एक और तिकड़ी मिल गई थी, और अब हम 6 लोग हो गए थे। और कॉलेज में सच में हमारी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम तीनों पहले शरारतें किया करते थे, लोगों की नाक में दम किया करते थे, लेकिन हमें उन लड़कियों से प्यार हुआ था जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए हमें भी पढ़ने में अच्छा होना पड़ा। और धीरे धीरे उन्होंने हमें कैसे सुधार दिया हमें पता नहीं चला। सब कुछ तो सुधार दिया, एक चीज़ वो सुधार नहीं पाई जो हमारे घर वाले भी सुधार नहीं पा रहे थे। वो आदत थी शाम के वक्त वोडका का 1 या 2 पैग लगाना। इस तरह हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रही, लेकिन नेहा का मानना था कि हमें कहीं घूम कर आना चाहिए, और कोमल ने उसका साथ दिया। हमें बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। नेहा के पापा आर्मी में थे और कई लोगों को मार भी चुके थे, यानी कि जंग में वो कहानियाँ सुनाया करते थे जब भी कॉलेज में आते थे। मुझे बहुत डर लगा करता। मैं नेहा को कहता, नेहा जब हम शादी की बात करेंगे तुम्हारे पिता मेरे सर पर गोली तो नहीं मार देंगे। नेहा जानबूझकर शरारत सी करती हुई कहती, वैसे गुस्से में आ जाएं तो मार भी सकते हैं, प्यार से बात करना। कोमल भी उसका साथ देने लगती, और कोमल के पिता भी पुलिस में थे, इसीलिए उनके साथ घूमने जाने का प्लान हम बनाना ही नहीं चाहते थे। हम किसी भी पचड़े में फंसना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। नेहा मानती थी कि सिक्किम घूमने के लिए जाना चाहिए, वहाँ बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ घूमा जा सकता है, और ऐसी खाली जगह पर हमें घूम कर आना चाहिए। कोई ना कोई गांव देखेंगे, वहाँ 5-7 दिन रहकर आएंगे और रोमांटिक होते हुए घूमेंगे, यानी कि कोई भी हमें देखने वाला नहीं होगा, कोई शिकायत लगाने वाला नहीं होगा, आराम से घूमेंगे। पहले मुझे लग रहा था वहाँ खतरा ज़्यादा हो सकता है, माता पिता को मनाएंगे कैसे, लेकिन जब उसने कहा वहाँ तंग करने वाला कोई नहीं होगा, झरनों में नहाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, बारिश में नहाएंगे,
और नहाने की इतनी ज्यादा बातें की उसने, मेरा मन करने लगा चलो कोई बात नहीं 5-7 दिन अच्छे से रहकर आएंगे, बाद में चाहे गोली पड़े या बम पड़े कोई डरने की बात नहीं। मैंने तो अपने घर वालों को मना लिया था, मोहन और सम्राट भी अपने परिवार वालों को मनाने में बहुत माहिर हो चुके थे। नेहा के पिता को मनाना बहुत मुश्किल था। कोमल को एक टीचर बनकर उसके घर जाना पड़ा, इस तरह उसके पिता माने, और कोमल के पिता को नेहा ने मनाया। इस तरह हम 6 के 6 अब सिक्किम में एक खास जगह घूमने के लिए जा रहे थे। कई टूरिस्ट प्लेस वहां पर मौजूद थे, लेकिन हमने जिसका चुनाव किया था वो टूरिस्ट प्लेस के पास वाले एक गांव में था। वहां उस गांव में एक घर लिया हमने और वहां पर रहना शुरू कर दिया। हमारे लिए ये हनीमून के समान ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंग करने वाला है ही नहीं। कॉलेज में तो हर कोई घर तक शिकायत लेकर जाता था और हम एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ पाते थे, और यहाँ कोई देखने वाला तक नहीं था। लेकिन 3 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद हम सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचे थे, और दोपहर तक ही गांव वालों का देखने का नज़रिया हमने पहचान लिया था। किस तरह से हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ कर वहाँ पर घूम रहे हैं, सब लोग कह रहे थे ऐसा आप यहाँ नहीं कर सकते, बिना शादी किए किसी लड़की का आप हाथ नहीं पकड़ सकते। उन्होंने हमारी गर्लफ्रेंड के हाथ में हमारा हाथ छुड़वा दिया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो तीनों लड़कियां भी। यहाँ घूमने के लिए आए थे, हमने सोचा था रोमांटिक माहौल बनाएंगे, आराम से रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन गांव वाले पिछड़ी सोच वाले लग रहे। मैंने कहा तो हमारा प्रोग्राम तो फेल हो गया, लेकिन सम्राट ने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो टूरिस्ट प्लेस पर चलते हैं, वहाँ कोई अच्छा सा होटल लेंगे। मैंने कहा वहाँ घूमेंगे फिरेंगे कैसे, कोई ना कोई पहचानने वाला वहाँ मिल जाएगा, और तुम्हें पता है कोलकाता से कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, किसी ने पहचान लिया पक्का गोली पड़ेगी सर पर गोली, पता है ना, नेहा के पापा और कोमल के पापा किसी ना किसी केस में फंसा देंगे, जेल में रहेंगे पूरी की पूरी उम्र। उसके बाद थोड़ा अलग हुए अपनी दोस्तों से, फिर गांव वालों से पूछने लगे यहाँ आसपास कोई और जगह है जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, घर में आराम से रहेंगे ताकि कोई हमें तंग ना करे, बाहर घूम फिर भी सकते हैं, कोई बड़ा फार्म हाउस है। उसके बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, ऐसा लग रहा चौकीदार हो, और बातों में ये पता लगा सच में वो चौकीदार ही था, हाथ में डंडा लिए हमारे करीब आया और कहने लगा फार्म हाउस किसी ज़माने में यहाँ हुआ करता था, वो बड़ी हवेली, उसके बाद यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। मैंने उसको पूछा अच्छा यानी कि हवेली हुआ करती थी, क्या आप मौजूद नहीं है, क्या उसे तोड़ दिया गया है? उसने कहा नहीं नहीं तोड़ा तो नहीं गया है, कुछ कहानियाँ हैं जो आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे, वहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने कहा कहानियाँ, कैसी कहानियाँ, क्या वो जगह कोई बुरी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, टूटी हुई है, हमारी जान को खतरा है? उसने कहा वो बिल्कुल नई है, बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब हाँ वो जगह खतरनाक है। सब एक पल के लिए उससे सवाल पूछने पर मजबूर हो गए, जो जगह अच्छी है वहाँ खतरा कैसा हो सकता है, गांव वाले वहाँ से जा चुके थे, और उस आदमी ने हमें जवाब दिया कि उस जगह पर एक चुड़ैल रहती है, उसका कद 15 फुट है, और बारिश के मौसम में वो बाहर निकलती है, और बारिश में अगर आप हवेली के अंदर हैं तो अंदर ही रहें, आपको कोई खतरा नहीं होगा, बाहर निकले तो मारे गए। पहले उसकी बात सुनकर हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, फिर मोहन की हंसी निकल आई चुड़ैल कैसी बातें कर रहे हो, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा मेरा नाम रामू है, यहां सब मुझे रामू काका कहते हैं। हम तीनों हंसते जा रहे और लड़कियों की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा एक तो आपका नाम रामू काका है जैसा कि फिल्मों में होता है, फिल्मों में ऐसी ही हवेली होती है जहां कोई चुड़ैल या भूत होता है, ये तो कहानी वाला सीन बन गया, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना असली नाम बताइए। उसने कहा मेरा नाम रामू ही है और सब असल में मुझे रामू काका ही कहते हैं, तुम भी मुझे रामू काका कह सकते हो, लेकिन वहां मत जाना, यहां पर तुम रह सकते हो, गांव वाले थोड़ी पिछड़ी सोच वाले हैं, तुम ऐसा करना किसी भी लड़की का हाथ मत पकड़ना, वैसे ही गांव में समझो घूमने के लिए आए हो तो घूमते रहना। तभी कोमल ने जैसे मोहन के कान में कहा देखो
यहां कोई हाथ तक पकड़ने नहीं देगा। मैं कहती हूं उस हवेली में चलते हैं जहां हर कोई जाने से डरता है। वहां गांव का कोई आदमी जाएगा नहीं, आराम से हम रह सकते हैं, 4-5 दिन वहां पर रहेंगे आराम से। उसके बाद कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कहीं अकेले घूमने के लिए नहीं गए। सोचो सोचो, चलते हैं। मोहन शुरू शुरू में थोड़ा घबरा रहा, लेकिन सम्राट ने उसे समझाया और मेरा भी मानना था अगर हम उस हवेली में चले गए गांव का कोई आदमी वहां पर जाने वाला नहीं, लेकिन हमें ये पता नहीं है वो हवेली कहां पर मौजूद है। हमने रामू काका से पूछा, देखे काका कहां पर है वो हवेली, क्या जाने का रास्ता आपको पता है? रामू काका ने कहा, हाँ मुझे वहां जाने का रास्ता पता है, वहां जितना खतरा है मैं कहूंगा आप मत जाइए। तभी मैंने 2,000 रुपए जेब से निकाले और रामू काका के हाथ में रखे और कहा, देखिए यहाँ चौकीदारी करके आपको ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे, अगर आप हमारे साथ चलेंगे मुझे लगता है आपकी सोच अच्छी है, वहाँ परेशान तो नहीं करेंगे ना। मान लो किसी लड़की को किस करते हुए आपने देखा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, आप पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे? रामू काका कहने लगे, अरे नहीं नहीं, जवानी में ये सब होता है, गाँव वाले पिछड़ी सोच वाले हैं, मैं शहर में रहकर आया हूँ। तभी पीछे से रचना बोल पड़ी, फिर तो अच्छा है रामू काका, देखिए 2,000 मिल गए, वहाँ का रास्ता दिखाइए, हमारे साथ वहाँ पर रहिए, आप बस चौकीदारी करना जैसे आप यहाँ पर करते हैं, और ये लीजिए 2,000 मेरी तरफ से। सबने 2,000 निकाले थे, 6 लोग थे, 12,000 उसके पास, 5 दिन के 12,000। पहले पहले उसका मन डोल रहा था, बाद में उसे मानना पड़ा और फिर वो कहने लगा, आपको खाने पीने का सामान वहाँ पर लेकर जाना होगा क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खाने पीने का सामान लेकर गए, और एक खास नियम है, जब बारिश हो हवेली से बाहर मत निकलना। तभी पीछे से कोमल बोल पड़ी, आप बाहर निकलने की बात करते हैं, अब हवेली में कोई आए ना, हमें बाहर जाकर क्या करना है? बड़ी मुश्किल से अकेले में समय मिला है, हम तो कमरे के अंदर छिपे रहेंगे। रामू काका तैयार हो गए, बैग में हमने सारा सामान भर लिया, खाने पीने की इतनी चीज़ें भरी थी कि लगभग 10 दिन वहाँ पर बिताए जा सकते थे। आराम से हम उस तरफ बढ़ चले। गांव से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, चलकर थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन वहाँ जाकर अकेले में समय मिलेगा, एक बड़ी हवेली में, ये हमारे लिए एडवेंचर वाला जैसे माहौल बन चुका था, एक अच्छा दिन था वो हमारे लिए। वो रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा था, कई जगह बहुत ज़्यादा कीचड़। मैंने रामू काका से पूछा था, यहाँ कीचड़ क्यों, यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन वहाँ गांव में तो बारिश हुई नहीं। उसने कहा, इस तरफ कभी कभी अचानक बारिश होने लगती है, तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं होगा, हो सकता है तुम 5 दिन रहोगे ना, 5ों दिन वहाँ पर बारिश हो, और ये चीज़ देख लो रास्ता कितना खतरनाक है, यहाँ पाँव फिसला तो नीचे गिर सकते हैं, और ये देखो हम अब नदी के बीच से निकलेंगे। वो सूखी हुई जगह थी जैसे नदी का हिस्सा, लेकिन उसने कहा कि वहाँ कभी भी बारिश का पानी बहुत तेज़ आ जाता है, अगर बारिश हो रही हो तो यहाँ पानी का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। उस नदी को पार करते वक्त सांसें रुकी हुई थी, लेकिन हम दूसरी तरफ पहुँच गए, और एक बात का दिलासा भी था, यानी उस तरफ गाँव वाले भी नहीं आएंगे, तो आराम से वहाँ पर 5 दिन तक रहेंगे। रामू काका हमें एक ऐसी हवेली में लेकर गए जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत बड़ी 4 दीवारी, और अंदर की वो हवेली खूबसूरत थी। उसके बाद हवेली के जब हम अंदर गए, थोड़ी सी ही मिट्टी थी, ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, जैसे समय समय पर इसकी सफाई करवाई जाती हो। मैंने रामू काका से पूछा, यहाँ पर तो सफाई की गई लगती है, ज़्यादा पहले नहीं फिर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही है, आप तो कह रहे थे इस तरफ कोई नहीं आता, यहाँ पर उस चुड़ैल का साया है, अब ये क्या हुआ? रामू काका ने कहा, देखिए समय समय पर कई लोग आपकी तरह यहाँ आने की कोशिश करते हैं, जो समझदार होते हैं उन्हें तो मुसीबत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप में से किसी ने गलती की, हो सकता है मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपके गले पड़ जाए। हमने हवेली के अंदर कई कमरे देखे जो पूरी तरह से साफ थे, वहाँ
करीबन 15 कमरे थे जो निचली मंजिल में थे और उनमें से सिर्फ 3 कमरों का हमने चुनाव किया था। हम तीनों लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ही एक कमरे में रहने वाले थे। रामू काका को हमने कह दिया, आप बाहर रह सकते हैं, देखिए यहाँ हवेली में हम अच्छे से रहना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे और कई बार हो सकता है लड़कियों के कपड़े थोड़े छोटे हों, आप बाहर रह सकते हैं। रामू काका ने कहा, हाँ मैं बाहर, वो छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है ना जो हवेली के बिल्कुल साथ लगती है, मैं वहाँ पर रहूँगा, कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो बड़ी घंटी है ना, उस घंटी को बजा दीजिएगा। मैंने ऊपर की तरफ देखा, हवेली के बीच में बड़ा सा घंटा लगा हुआ था और नीचे एक तरफ रस्सी बांधी गई थी। रामू काका कह रहे थे कि कोई मुसीबत आए तो इस घंटे को बजाना शुरू कर देना। हम 6 के 6 ये चीज़ देखकर हंसते जा रहे और तभी कोमल ने कहा था, यहाँ कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली कि इतना बड़ा घंटा बजाएं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कोई चीज़ समझ में ना आए क्योंकि यहाँ पर लाइट तो है नहीं, मोमबत्तियों की ज़रूरत होगी और चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें हम कहाँ से लेंगे, हमें पहले इस चीज़ का पता नहीं था। रामू काका कहने लगे, यहाँ एक बेसमेंट भी है लेकिन अभी दिन है, जल्दी से बेसमेंट से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, रात के वक्त बेसमेंट में कोई मत जाना, अभी जल्दी से चलते हैं। बाहर हमने कुछ लकड़ियों को आग लगाई, मशाल बनाई और बेसमेंट की तरफ हम जाने लगे। बेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पर रखी हुई वो चीज़ें डरावनी से डरावनी थी, जैसे ये कोई भूतिया हवेली हो फिल्मों वाली। जैसे सर थे वहाँ हिरण के, हाथी का बड़ा सर था, कई सींग थे, मर्तबानों में रखी हुई आँखें, ऐसी डरावनी डरावनी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी कि किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन हमें मोमबत्तियाँ चाहिए थी और एक जगह बक्से में रखी हुई लगभग 100 से ज़्यादा मोमबत्तियाँ, वो हमारे लिए खुशी का सबब था। हमने वो मोमबत्तियों को बाहर की तरफ निकाला और उसके बाद उसे तहखाने से बाहर ले आए और रामू काका ने भी वहाँ तहखाने के उस दरवाजे के ऊपर एक डंडा फंसाया और वो कहने लगे, देखिए शाम का वक्त जल्द ही होने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा तहखाने में कोई मत जाना, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है और ये बादल के गरजने की आवाज़ ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, ध्यान रखिएगा रात के वक्त आज भी वो बड़ी चुड़ैल नज़र आ सकती है, आप बस हवेली से बाहर मत निकलिएगा, मैं भी झोंपड़े के अंदर चला जाऊँगा और उसके बाद आप दरवाज़ा लगा लीजिए, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जाएगा तो किसी को खतरा नहीं होगा, 5ों दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। रामू काका वहाँ से जा चुके थे, हमारे पास कई चीज़ें थी, सूखा खाना था, हम बहुत ज़्यादा मैगी भी लेकर आए थे और फल भी लेकर आए थे। वहाँ एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ, उसके चारों तरफ बड़े बड़े सोफे रखे हुए, हम उन सोफों पर बैठ गए, उस टेबल के ऊपर वो सारे बैग रख दिए, खाना एक तरफ प्लेट पर रखा जो हम साथ में लेकर आए थे और वो सेब के छोटे छोटे टुकड़े हर कोई उठाकर खा रहा और बातें कर रहा। सबसे पहले नेहा मेरे गोद में आकर ही बैठ चुकी थी और कह रही थी, अब यहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा, क्या कहते हो दोस्तों? कोमल और रचना भी मोहन और सम्राट के पास जा चुकी थी, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर हर कोई प्यार का इजहार कर रहा और ऐसे ही 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ मस्ती किए जा रहे थे लेकिन जो कोमल थी ज़्यादा नटखट थी, वो मोहन को काफ़ी ज़्यादा तंग किया करती थी और हमेशा उसे कहा करती कि तुम एक डरपोक हो, कभी हिम्मत वाला काम ज़रूर करना, जब मैं कहूँगी तो हिम्मत वाला काम करना, तुम करोगे ना? अरे तुम नहीं करोगे, तुम तो डर जाते हो। और मोहन ने कहा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, अब यहाँ अकेले में कौन डरने वाला है? मोहन असल में कोमल के पिता से बहुत ज़्यादा डरता था जो पुलिस में थे, पुलिस से बचपन से ही उसे डर था। ऐसे ही बातें चलती रहीं, वक्त रात के 9 बजे का हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बादलों की गरजने की वो आवाज़ें बार बार इस हवेली को बहुत ज़्यादा थर्रा रही थी, ऊंचाई पर थी ये हवेली इसी कारण वो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती, जिसके बाद बारिश की वो आवाज़ तेज़ हो चुकी थी। हमने बाहर की तरफ झांकने की कोशिश की, सामने वाली वो जो छोटी सी झोंपड़ी थी वो भी अब बारिश की बूंदों के कारण नज़र नहीं आ रही और ऐसा लग रहा था इसी बारिश की बात तो रामू काका कर रहे थे ना कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है,
आसपास के इलाके में नहीं होती लेकिन हवेली के आसपास बहुत ज्यादा होती है। रामू काका जो कि उस झोंपड़े के अंदर हमें अब हल्के हल्के नजर आने लगे। जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम होती रामू काका एक खिड़की पर खड़े अंदर की तरफ झांकते हुए नजर आते। हमने यहां से इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। रामू काका कह रहे ध्यान रखना उंगलियों ऊपर की तरफ करके। उसके बाद बादलों की गरजने की आवाज थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। बारिश भी कम होने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी रह चुकी थी लेकिन कहने को ये अब भी बारिश थी। भले ही बूंदे ज्यादा हों भारी संख्या में हों या कम हों बहुत छोटी छोटी हों कहा उसे बारिश ही जाता है। हम सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मेरे कमरे में नेहा बेड पर बैठी हुई मेरी आंखों की तरफ देखे जा रही। इस रात का इंतजार हमें कब से था। जब से हमारा यह प्यार परवान चढ़ा था तब से ही मैंने इस दिन के सपने देखे थे। लेकिन अचानक पायल की वो आवाज़ जो हवेली में गूंजने लगी मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। कोमल और रचना तो पायल नहीं पहनते हैं, कौन पायल पहनकर घूम रहा है। तभी नेहा ने कहा पक्का मोहन होगा, पक्का मोहन होगा। कोमल बड़ी शैतान है, बेवजह मोहन को परेशान करती रहती है। अब कह रही होगी मोहन पायल पहनकर दिखाओ वरना तुम डरपोक हो, और वो पायल पहनकर घूम रहा होगा, कोई चीज़ लेने के लिए गया होगा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पायल की आवाज़ आई और कुछ ही समय बाद बड़े बड़े घुंघरों की वो आवाज़ जैसे हवेली में गूंज रही। मैं जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहता था क्या सच में ये मोहन है और कोमल जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस बार कोमल को थोड़ा सा सबक सिखाना होगा, हमारे दोस्त को बेवजह परेशान कर रखा है, प्यार के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा मोहन और सम्राट वहां मेरी तरफ देखे जा रहे और मैंने कहा मोहन ये तू था, सम्राट मोहन क्या कर रहा है। तभी मोहन ने कहा मैं नहीं था पागल, आवाज़ बाहर से आ रही है, और ये आवाज़ कैसे आ सकती है, अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, नीचे वाली नदी में बहुत ज़्यादा पानी होगा, गाँव से इस तरफ कोई आ नहीं सकता और ऊपर आने का एक ही रास्ता है, दूसरी तरफ तो बड़ी सी खाई है ना, वहां से तो कोई चढ़ा नहीं होगा, अब रामू काका घुंघरू पहनकर पायल पहनकर बाहर क्यों घूमेंगे, औरतों वाले शौक है उनके। मैं तब मोहन की बातों पर थोड़ा सा हंसा और जैसे ही घुंघरों की आवाज बाहर से दोबारा आई एक बार के लिए हम तीनों एक दूसरे की तरफ झांकने लगे थे। इतने में तीनों लड़कियां बाहर आ चुकी और कहने लगी थी क्या हुआ बड़ा समय लगा दिया, अब इतनी रात हो चुकी है बाहर ये आवाजें कौन कर रहा है। सबने मेरी तरफ देखा और ऐसे हालात में जब भी कोई फंसता था उसके लिए मुझे आगे कर दिया जाता था ताकि मैं जान कर आऊं ढूंढ कर आऊं। मैं जैसे ही खिड़की के पास गया बाहर मैंने जो देखा होश उड़ गए थे मेरे, मेरी जबान जैसे गले से अंदर गिरने को हो गई, आंखें फड़फड़ाने लगी थी, दिमाग फटने को हो गया और टांगें कमजोर सी हो गई जैसे उसमें जान ही न बची हो। बाहर मैंने एक औरत देखी और उस औरत का कद 10 से 12 फुट था, बहुत ज़्यादा बड़ी, और उसकी बड़ी बड़ी बाजुएं और बाजुएं इतनी लंबी थी कि उसकी एड़ियों तक आ रही, और यकीन कीजिए उसके कंधे इतने चौड़े थे मैं बयां नहीं कर सकता, ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। लगने में औरत थी बड़े से सर वाली लेकिन भयानक, और मैं जैसे ही पीछे हटने लगा मोहन कहने लगा क्या हुआ विकास अब तू डरपोक है, कोमल बता इसे यह डरपोक है या नहीं है। मोहन ने जैसे ही खिड़की से देखा मोहन की चीख निकल गई और सब पीछे पीछे हटने लगे। वो औरत खिड़की के करीब आई उस आवाज़ को सुनकर और खिड़की के अंदर वो झांकने लगी थी, इधर उधर देखने लगी, और यकीन कीजिए कोई नकली चीज़ होती हम पहचान जाते, वो कोई नकली चीज़ नहीं थी असली थी। तभी रचना बोल पड़ी ये तो वो चुड़ैल है ना जिसकी बात रामू काका कर रहे थे। हम भागे दूसरी खिड़की की तरफ, वहां से सामने वाली वो झोपड़ी देखी जहां खिड़की के अंदर से रामू काका हाथ हिलाते हुए कह रहे बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, और किसी की हिम्मत तक नहीं थी बाहर निकलने की, ऐसी चीज़ हमने पहली बार देखी थी। फिर थोड़ी चलने की वो आवाज़ें बंद हुई जैसे वो चुड़ैल कहीं पर जा चुकी हो, यहाँ आई थी यहाँ से दूर चली गई हो। लेकिन सम्राट कह रहा यार कुछ तो गड़बड़ है, चुड़ैलें ऐसे थोड़ी ना होती हैं, चुड़ैलें तो साड़ी पहने होती हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, भयानक चेहरा होता है,
भाई इतना बड़ा कद नहीं होता। कुछ तो है, ये गांव वाले हमें बेवकूफ बना रहे हैं। देखो उस रामू काका को 12,000 दे दिए ना, अगर हम यहां से भागें उससे रुपए मांगे वो कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने पहले कहा था। पक्का ये रामू काका का काम है, किसी ना किसी को कुछ रुपए दिए होंगे, बड़े बड़े मास्क बड़ी बड़ी चीजें पहनकर यहां पर आया होगा। मैं बाहर जाकर देखता हूं। तभी रचना कहने लगी सम्राट की बाजू को पकड़कर, बाहर मत जाना, तुम्हें नजर नहीं आता वो क्या चीज थी। सम्राट कहने लगा मैं डरपोक नहीं हूं, चल मोहन मेरे साथ चल, विकास चल। मुझे नेहा ने पकड़ रखा था और कोमल ने पहली बार मोहन को यह नहीं कहा कि तुम डरपोक हो। कोमल कह रही देखो ऐसी जगह पर बहादुरी नहीं दिखाई जाती, तुम बहादुर हो, मैं शरारत करती हूं तुम्हें कुछ बोलकर, बाहर मत जाना। तब सम्राट कहने लगा सारे डरपोक और रचना तू भी, देख मैं बाहर जाकर देख कर आऊंगा, बारिश में कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। सम्राट जैसे ही बाहर गया पीछे मुड़कर कहने लगा लो बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही हैं, कौन सी चुड़ैल आई, कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कौन उठा कर ले गया। उसने ये कहा ही था जैसे हवेली की उस छत पर वो चुड़ैल चढ़ी हो, छलांग लगाकर सम्राट के पीछे आ गई थी और उसकी छलांग भयानक, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया और पेट से पकड़ लिया था उसने सम्राट को और हवा में उठा लिया। यकीन कीजिए दहशत ऐसी थी कि चीखें मारने लगे थे हम सब। उसके बाद वो जैसे सम्राट को खींचती हुई उठाती हुई बाहर की तरफ जा रही, और तब मुझे लगा उसे बचाना चाहिए। मैं और मोहन बाहर की तरफ आना चाहते थे लेकिन उस झोंपड़ी से रामू काका भागते भागते आए, हम बाहर निकलने वाले थे, रामू काका ने हमें पकड़ा और हवेली के अंदर खींचा और रामू काका की गर्दन के करीब से उस चुड़ैल का हाथ निकला था। रामू काका पकड़ में आ जाते लेकिन इतने में वो चुड़ैल बस हाथ ही घुमा पाई, पकड़ नहीं पाई, लेकिन सम्राट जो उसने पाँव के नीचे दबा रखा था वो छूट नहीं पाया। फिर उसने सम्राट को उठाया और आगे की तरफ उस बारिश में हवेली से दूर निकल गई। मैं और मोहन बाहर भागना चाहते थे लेकिन रामू काका ने कहा बाहर मत जाना, तुम भी मारे जाओगे, वो मौत है मौत, जो भी बारिश में बाहर जाता है वो उसे मारने की कोशिश करती है। मैं रोते रोते कहने लगा हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए सम्राट की जिंदगी भी चाहिए, अगर सम्राट को कुछ हुआ समझो हम भी मारे गए, उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। तब रामू काका कहने लगे डरने की बात नहीं है, उसे बचाने का एक तरीका अब भी है, डरो मत, वो चुड़ैल सीधा उसे मारेगी नहीं, एक मौका है और उस मौके का तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, क्या तुम कर पाओगे, और तुम में से एक ही वो काम करेगा, अगर उसने वो काम नहीं किया जो एक खास तुम्हारे द्वारा चुना गया हो फिर गड़बड़ है, फिर सम्राट मारा जाएगा। मैं आगे की तरफ हुआ और कहने लगा बताइए कौन सा काम है, जितना भी खतरनाक हो मैं वो काम करने को तैयार हूं। तब रामू काका कहने लगे देखो जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उस बात से तुम्हें डर नहीं लगेगा, कुछ अजीब लगेगी, तुम कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तरीका यही है, तुम्हें एक ऐसी गुफा तक पहुंचना है जहां पर वो चुड़ैल रहती है, जिसे भी वो उठा लेती है, अगवा करती है, वहां कहीं छिपा देती है लेकिन कोई जान नहीं पाता, उसकी एक ही कमजोरी है, वहां पर लगने वाला एक फल, एक अजीब सा काले रंग का गोभी का फूल, उस गोभी के फूल को काटना पड़ेगा, तुम्हें 5 गोभी के फूल काटने होंगे, बार बार जाकर एक फूल को काटोगे, लेकर आओगे, यहां झोले में रखोगे और जिसने उस गोभी के फूल को काटा होगा उस झोले में कंधे पर हमेशा उसे रखना होगा, जब तक तुम्हारे दोस्त को बचाया नहीं जाता, जो भी वो अगवा करती है जिंदा रखती है, गोभी के फूल उसकी कमजोरी, और 5 गोभी के फूल अगर उसके पास आ जाएं बहुत कमजोर होगी, उसके बाद तुम आराम से अपने दोस्त को अपने साथ वहां से ला पाओगे, वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी कमजोरी तुम्हारे पास होगी, बस ये तरीका है, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो, और मैं तुम्हें बताता हूं उस गुफा तक जाने का रास्ता, बाहर से नहीं जाना है, नीचे तहखाने में एक सुरंग है, वो सुरंग में वो चुड़ैल नहीं घुस सकती,
इंसान तो घुस सकते हैं ना, उस सुरंग के रास्ते उस बड़े गुफा के हिस्से तक पहुंचना है। वहां पर खतरा होगा, अगर वहां पर वो चुड़ैल ने पकड़ा तो तुम्हें भी वो वहीं पर गाड़ देगी, छिपा देगी, जिंदा रखेगी, लेकिन कुछ समय तक अगर किसी ने तुम्हें नहीं बचाया तो तुम भी मारे जाओगे, सम्राट भी मारा जाएगा। मैं रामू काका की बात नहीं मानने वाला था, मुझे उन पर भरोसा नहीं था। मैंने एक पैर बाहर रखने की कोशिश की, तभी ऊपर से एक हाथ घूमा। वो चुड़ैल हवेली के ऊपर कब आ चुकी थी पता ही नहीं, छिपकर जैसे इंतजार कर रही कि कोई बाहर निकले और वो झपट्टा मारे। अब तो शायद रामू काका पर यकीन करना ही पड़ता। उसके बाद मैं जैसे ही तहखाने की तरफ बढ़ने लगा, रामू काका ने कहा, सुरंग में तुम सुरक्षित रहोगे, हो सकता है कीड़े मकोड़े सांप चूहा वहां तुम्हें मिल जाए, लेकिन वो चुड़ैल नहीं मिलेगी। संकरी जगह पर वो नहीं आ सकती, जैसे हवेली के अंदर नहीं आ सकती। वो तो सम्राट ने वो गलती की, वरना तुम बचे रहते। अब गलती की है तो बचाना पड़ेगा सबको। मैं अकेला था सब उस हवेली में, खास तौर पर सबको कह दिया था कि छिप कर रहना। मैं एक तेज धार चाकू लेकर गया था, जैसा कि रामू काका ने बताया था। उस गोभी को काटना बहुत मुश्किल होगा, जोर लगाना होगा, जैसे उसके बीच कुछ लकड़ियां भी हैं, अजीब रहस्यमय फूल है वो, लेकिन कमजोर करता है वो उस चुड़ैल को। रोकने का एक ही तरीका, उसे अपने पास रखना, काट कर। मैं सुरंग के रास्ते जैसे ही बड़े हिस्से तक पहुंचा, डर था मुझे, वहां से निकलूंगा तो सामने कोई खतरा तो नहीं होगा ना, ऐसा ना हो मैं यहां से निकलूं और उसके बाद सामने मुझ पर वो चुड़ैल हमला करते। उसकी तैयारी करके हम इस तरह से आए थे कि पीछे हवेली में सबको कहा हुआ था कि लगभग 15 मिनट बाद मैं उस गुफा तक पहुंच जाऊंगा और 15 मिनट बाद वो खिड़कियों से सामान बाहर फेंकना शुरू कर दे, ताकि उस चुड़ैल को लगता रहे कि हम वहां पर हैं, ध्यान उसका भटका रहे और उतने में गोभी का फूल लेकर मैं वापिस आ जाऊं। इसके बाद मैं 15 मिनट वहां पर था, समय अच्छे से देखा और भागा मैं, देखने लगा वो गोभी का फूल जो कि बड़ी आसानी से मुझे नजर आ गया। सामने एक छोटा सा टीला बना हुआ, जैसे कोई चीज होगी जिसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, लेकिन सामने वो गोभी का फूल। चाकू से मैंने गोभी के फूल को काटना शुरू कर दिया, सच में मुश्किल हो रहा था, जैसे कुछ तेल सा उसमें से निकल रहा, लेकिन फिर भी बड़ा जोर लगाया, लकड़ी के हिस्से को काटा, गोभी को झोले में रखा, पीठ पर टांगा और भागने लगा मैं उस सुरंग से। ये काम सुरक्षित मैंने कर लिया था। आगे रामू काका बताते कि मैं अपने दोस्त सम्राट को कैसे ढूंढूंगा। जैसे ही मैं हवेली में पहुंचा, सबके चेहरे उतरे हुए थे, हवाइयां उड़ी हुई थी, हवाइयां। मैंने पूछा, क्या हुआ? तभी जो मोहन ने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कोमल छत पर थी, ऊपरी मंजिल से नीचे सामान फेंक रही, लेकिन गलती से खिड़की के बाहर उसने अपनी बाजू की और उस चुड़ैल ने मौके का इंतजार किया था, कोमल को बाजू से पकड़ा और बाहर खींच लिया। अब वो कोमल को खींचती हुई ले गई। जैसे ही मोहन पागलों की तरह कोमल को बचाने के लिए जा रहा था, हमने पकड़ लिया, लेकिन वो चुड़ैल अंदर देखकर हंस रही और इशारा कर रही थी, आ जाओ बचा लो। हमने मोहन को जाने नहीं दिया। ये बातें सुनकर मैंने रामू काका को गले से पकड़ा और कहा, आप बचा नहीं सकते थे, आपको पता है इस जगह के बारे में, अब क्या करें, अब क्या करें, अब ना सिर्फ सम्राट को बचाना है बल्कि कोमल को भी बचाना है, अब क्या करें। रामू काका का कहना था, वही जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें और करना होगा, 5 गोभी के फूल झोले में रखो, यहां पर आओ, एक खास जगह उस झोले को छिपा कर रखना, ताकि कोई उसे छू ना पाए। मैंने अपने बेडरूम में रखा और नेहा को कहा, यहीं पर रहना, किसी को अंदर आने मत देना। फिर से दूसरा गोभी का फूल लेने के लिए मैं गया, काम आसान रहा, सबने यहां ध्यान भटकाया। जब मैं वापिस आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, पहले सम्राट फिर कोमल और अब नेहा को भी वो चुड़ैल उठा कर ले गई। मैं गुस्से में था, मेरा प्यार मुझसे दूर जा चुका था, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और तब
रामू काका ने कहा, वो चुड़ैल पागल हो गई है, उसे लग रहा है कोई उसे रोकना चाहता है, महसूस करती है वो, लेकिन इस हवेली के आसपास भी उसे रहना है ताकि शिकार कर पाए। गुस्से में आ गई और खिड़की के अंदर हाथ दिया उसने। खुद नहीं जा सकती लेकिन हाथ तो खिड़की के अंदर घुसा सकती है ना। नेहा को पकड़ लिया उसने, नीचे वाली मंजिल से खींचती हुई बाहर ले गई। जब तक हम दरवाजे तक पहुंच पाते वह दूर निकल चुकी थी। मोहन बहुत ज्यादा रोता जा रहा था। वो कह रहा था, हम किसी को बचा नहीं पाएंगे, वो चुड़ैल सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। और रामू काका कह रहे, दो गोभी के फूल आ चुके हैं, बस तीन और आएंगे, सबको बचाएंगे, उसे झोले में रखेंगे और सबके सब उसी गुफा में जाएंगे, ढूंढेंगे, वहां पर ढूंढेंगे, वो रास्ता तभी मिलेगा। मोहन मानने का नाम नहीं ले रहा। वो कोमल के प्यार में पागल हो गया था। वो कह रहा था, कोमल कह रही थी, मैं डरपोक हूं, देखो साबित हो गया, मैं डरपोक हूं, कुछ कर नहीं पाया। नेहा को भी वो ले गई, कोमल को ले गई, सम्राट को, मैं डरपोक की तरह यहीं पर हूं, तुम्हारी तरह काम करने के लिए भी नहीं जाता, लड़कियों की तरह यहां पर। उसके बाद गुस्से में मोहन बाहर की तरफ भागा। उसके हाथ में एक चाकू था और वो कह रहा, मैं मार डालूंगा उसे। मैं उसे रोकना चाहता था। रामू काका भी उसे रोकना चाहते थे लेकिन मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भागा सीधा बाहर की तरफ और जैसे ही वो बाहर पहुंचा उस चुड़ैल ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। लेकिन हमने देखा मोहन ने वो चाकू उस चुड़ैल की आंख में घोंप दिया था। वो चुड़ैल पर कोई असर नहीं। एक हाथ से उसने वो चाकू अपनी आंख से निकाला, उसकी आंख जो कट चुकी थी दोबारा अपने आप जुड़ गई। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, ऐसे हथियारों से उसे मारा नहीं जा सकता था। और रामू काका ने कहा, जो चुड़ैले डाये ने ऐसी शक्तियां होती हैं वो शाप के कारण या बुरी शक्ति के कारण, काली शक्ति के कारण या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। साधारण चाकू, तलवारें, गोले बम, बंदूक की गोलियां, इससे उन्हें नहीं मारा जा सकता। लोग क्यों नहीं समझते? यहां उसे मारने के लिए, उसे रोकने के लिए उसके जैसी वो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम दो गोभी के फूल लेकर आए हो, तीन जल्दी लेकर आओ। किसी न किसी तरह उसे रोकने के लिए वो काम हमें जल्द से जल्द करना होगा। हम उसका ध्यान भटकाएंगे। कुछ समय बाद वो चुड़ैल वहां पर आ चुकी थी, हाथ अंदर मार रही और सब कमरों के अंदर छिप चुके थे। मैंने तब कहा, इसे कोई ना कोई चीज आगे की तरफ फेंक कर पकड़ाने की कोशिश करना, लेकिन इसकी पहुंच से दूर रहना। मैं जाता हूं तहखाने में, उस सुरंग के जरिए एक और गोभी का फूल मैं लेकर आता हूं। मैंने वैसा ही किया जैसा कहा था। भागा मैं सीधा उस सुरंग के रास्ते से। मैं भागा भागा जा रहा और उसी जगह पहुंचा। डर लग रहा था, कहीं एक छोटी सी गलती मैंने की और उसके बाद उसे कोई रोक नहीं पाएगा और फिर से शुरुआत करनी होगी। जल्दी से भागता भागता मैं उस गोभी के फूल के पास गया, लेकिन इधर उधर झांकना भी चाहता था। कहाँ होंगे सम्राट, कोमल और नेहा? कहीं ना कहीं तो होंगे। और मोहन भी, वो मोहन को भी ले जा चुकी है, कहीं ना कहीं तो वो होंगे ना। लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे। इधर उधर झांका, वो बहुत बड़ी गुफा थी, कई छोटी छोटी जगह बनी हुई। लेकिन जैसे ही मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी, मैंने गोभी का फूल जल्दी से काटा और मैं भागने लगा। इतनी रफ्तार में मैं सुरंग के पास पहुंचा कि वो चुड़ैल ने पीछे से झपट्टा मारा था, पकड़ना चाहती थी लेकिन मैं पकड़ में नहीं आया। निकल आया मैं एक और गोभी का फूल लेकर। तीन गोभी के फूल हो गए थे, लेकिन जल्द से जल्द वो चीज़ करनी थी मुझे। जैसे ही मैं हवेली में वापस पहुंचा, वहां हालात फिर से बदल चुके थे। हवेली के पीछे वाले कमरे की वो दीवार लकड़ी से बनी हुई थी, जिसका किसी को पता नहीं था, और रचना उसी कमरे में थी। वो चुड़ैल ने दरवाजे को फाड़ डाला, उस दीवार को तोड़ डाला और खींच कर ले गई। कोई बचा नहीं पाया। अकेले रामू काका वहां पर खड़े थे और मैं उनके सामने, तीन गोभी के फूल और उस बड़े झोले में। मैं देख रहा, कह रहा, अब क्या करूं? रामू काका ने कहा, दोबारा कोशिश करना, ऐसा करना
मैं उसे यहां भटकाने की कोशिश करूंगा। मुझे याद नहीं था कि ये पीछे वाली दीवार लकड़ी की है। गलती हो गई हमसे, गलती। जल्दी जाओ, चौथा गोभी का फूल लेकर आओ, उसे रोकने का यही तरीका है। जैसे ही वो चुड़ैल वहां पर नजर आई, वो तो खिड़कियों को तोड़ने पर लगी हुई। मैं उस सुरंग के जरिए भागा भागा गया और गोभी का फूल जल्दी से काट कर लेकर आया। इधर उधर भटकना नहीं चाहता था, पिछली बार जिंदा बच गया था। गोभी का फूल मैं लेकर जैसे ही वहां पर आया, रामू काका जख्मी थे और मुझे कह रहे, बच गया उसके हाथों। नाखून से मेरा पेट फाड़ डाला उसने, लेकिन फिर भी तुम्हें पांचवा गोभी का फूल वहां से काट कर लेकर आना होगा। ये काम तुम्हें करना होगा, तभी तुम उसे रोक सकते हो। मैंने कहा, अगर वो चुड़ैल इस बार वहां पर आ गई, क्योंकि आप जख्मी हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो अगर उसने मुझे पकड़ा? रामू काका ने कहा, मैं हिलने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। मैं बाहर निकलूंगा, वो मुझ पर हमला करेगी, तुम गोभी के फूल को काट लेना और चार फूल अपने पास अपने कंधे के ऊपर रखना, वो झोले के अंदर, और पांचवा भी उसमें जैसे ही तुम डालोगे तुम्हारे शरीर में एक ताकत आ जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी वो, तुम ताकतवर होगे, फिर अपने दोस्तों को तुम ढूंढ सकते हो। ये तरीका है, यही तरीका है, बस तुम्हारे दोस्तों को उसने मारा ना हो। जैसे ही मैं उस सुरंग के जरिए उस गुफा में पहुंचा था, वो बड़े हिस्से में जाने से पहले मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही। मुझे लग रहा अगर मैंने गलती की, मौत की सजा मिलेगी, मौत की, और अपने दोस्तों के साथ शायद मैं भी मारा जाऊंगा। भागा मैं सीधा, गोभी का फूल मेरे सामने था, चाकू से मैंने गोभी का फूल काटना शुरू कर दिया। आधा काटा था और पायल की आवाज आई, यानी ये फूल मुझे काटना होगा, अगर नहीं काट पाया वो यहां बैठ जाएगी। ये आखिरी फूल का हिस्सा है, मैं नहीं कर सकता, मुझे करना होगा। बार बार ये आवाजें मेरे मुंह से निकल रही थी, मैं क्या कर सकता था, मुझे बस यही करना था। और जैसे ही मैंने फूल काटा, वो चुड़ैल मेरे सामने थी। फूल को काट कर मैंने झोले में डाला और वो मुझसे दूर भागने लगी। ऐसा लगा जैसे वो शक्ति मुझ में आ गई हो, वो शक्ति मुझ में आ गई हो। इसके बाद वो दीवारों पर नाखून मारने लगी और मैं उस चाकू को उसके पेट में घुसाना चाहता था, भाग गई वहां से। मैंने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद 15-20 मिनट वहां भटका, और उस गुफा से बाहर जाने का एक और रास्ता था। वो गोभी के फूल मेरे कंधे पर बड़े झोले में थे, उसे अपने पास रखे हुए। बाहर जख्मी रामू काका मुझे मिले, जो कह रहे थे, तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिले या नहीं, तुमने वो गोभी का फूल काट लिया होगा, तभी तुम जिंदा हो। मैं भागा था बाहर, लेकिन वो चुड़ैल मुझे पकड़ना नहीं चाहती थी, जैसे किसी और चीज से वो डर रही थी। इस तरफ आ रही और मैं पीछे पीछे था। क्या हुआ, मार डाला उसे, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मैंने रामू काका को कहा, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कहाँ हैं। रामू काका ने कहा, डरने की बात नहीं, तुम्हारे दोस्त हो सकता है जिंदा ही हों, अगर नहीं मिल रहे, यहाँ ये जो गोभी के फूल हैं, इसे अपने पास रखना, हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम किसी के भी साथ यहाँ पर आ सकते हो, किसी को खतरा नहीं होगा, तुम ताकतवर होगे। उसे मार डालना, लेकिन किसी को लेकर आओ, गांव वालों को, पुलिस को लेकर आओ, काम आसान हो जाएगा, मैं जख्मी हूँ, कुछ नहीं कर सकता। रामू काका ने जैसा कहा, शायद मुझे वैसा करना था। गांव वालों को यहाँ आना होगा मदद के लिए। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा, मैंने बताया मेरे दोस्त मारे जा चुके हैं। गांव वाले मुझ पर यकीन नहीं कर रहे और कह रहे, तुमने गलती की है। नदी को पार करना मुश्किल भरा था, लेकिन किसी तरह मैं पार कर पाया था। गांव वालों के पास पहुंचा तो वो मेरी बात नहीं मान रहे। इतनी बार मौत को मात दी थी कि अब मुझे लगने लगा था मेरा मरना भी मेरे दोस्तों के साथ ही होना चाहिए था। वहां से निकलकर सुबह का वक्त हो चुका और मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, मेरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ, और पुलिस में मैं सबको कहे जा रहा, बचाओ मेरे दोस्तों को, वो चुड़ैल मार डालेगी, मेरे पास वो फूल हैं जिससे मैं ताकतवर हूँ, मैं रोक सकता हूँ, चलो मेरे साथ, ढूंढने में मेरी मदद करो, मेरे दोस्त मारे जाएंगे। मैं जैसे खून से सना हुआ था,
पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और कहने लगे, सच बताओ कहाँ से आए हो? मैंने कहा, वहाँ मौत का तांडव हुआ है, वो चुड़ैल, वो हवेली की चुड़ैल। कुछ पुलिस वाले इस कहानी पर यकीन करते थे, कुछ पुलिस वाले इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उन्हें मुझ पर शक हो रहा, मैंने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे भरोसा दिलाता। उसके बाद एक पुलिस वाला कहने लगा, झोला खोल, झोला खोल, तेरे ऊपर खून कैसे लगा है? कुछ ना कुछ किया है गांव में तूने? मैंने कहा, नहीं, झोले में फूल हैं, गोभी के फूल। जैसे ही उस झोले को खोला गया, पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। कई पुलिस वालों ने बंदूकें मेरी तरफ तान दी थी और कई पुलिस वाले मुझे पकड़कर मेरे ऊपर बैठ गए थे। झोले में कोई गोभी के फूल नहीं थे, झोले में कटे हुए सर थे, मेरे पांच दोस्तों के कटे हुए सर, मोहन, सम्राट, नेहा, कोमल और रचना, सबके सर थे। और उन कटे हुए सरों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बेहोशी का वो माहौल, बेहोशी की वो हालत जो मेरे शरीर की हो गई थी, हर चीज़ मुझे धुंधली धुंधली दिखने लगी थी और मैं बेहोश हुआ। जब मुझे होश आया 10 से 15 मिनट बाद, मुझे बांधा गया था सलाखों के साथ और सख्ती से पूछा जा रहा, आखिर वहाँ पर क्या हुआ? मैंने पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा, सबको लग रहा मैं पागल हूँ। मैंने सबके सर काटे, मैंने कहा नहीं। मेरे साथ पुलिस वाले उस हवेली में गए थे, नीचे वाले उस हिस्से में जहाँ वो टीले बने हुए, मिट्टी के उन टीलों पर खून ही खून था। ज़रा सा खरौंचा गया तो मिट्टी के टीलों के अंदर मेरे दोस्तों के धड़ थे। असल में मैं गोभी के फूल काटने के लिए नहीं आ रहा था, उनके सर काटने के लिए आ रहा था। और रामू काका को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। और जब मुझे और बातों का पता चला, कई पुलिस वाले कह रहे, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जज, पुलिस या सरकार, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है, यहाँ पहले भी हो चुका है। जो लोग यहाँ आते हैं वो पागल हो जाते हैं, कहते हैं अपनों को मार देते हैं, कोई सर काट कर, कोई टांगे काट कर, तो कोई पेट फाड़ कर, हर बार अलग किस्से होते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ, वैसा भ्रम, वैसा षड्यंत्र हर किसी के साथ होता है। चुड़ैल जो इस हवेली में है, कहते हैं रूप बदल सकती है, अपने शरीर से कई इंसानों के रूप बना सकती है, भटकाती है, फंसाती है। जान गया था मैं, रामू काका कोई और नहीं, उस चुड़ैल का हिस्सा था। और कहते हैं वो चुड़ैल सिर्फ खून पीती है, लेकिन किसी को मार नहीं सकती, पकड़ सकती है, उठा सकती है, लेकिन जान से नहीं मार सकती, मारता कोई और ही है। और मैं वो कातिल बना था। यकीन दिलाने की कोशिश मैंने सबको की, लेकिन किसी को यकीन दिला नहीं पाया, ना रामू काका मिले। और गांव वालों ने भी कहा, यहाँ कई बार ऐसे लोग आते हैं अनजान से, गांव में रहते हैं, जो मरे हुए हैं, वो भी कई बार रूप में नजर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, षड्यंत्र चलते रहते हैं। मेरे पास कोई गवाह नहीं था, कातिल मैं ही साबित हुआ। मौत की सजा मुझे नहीं मिली, लेकिन उम्र कैद की सजा, और मैं ताउम्र जेल में रहने वाला हूं। अपनी ये जीवनी, अपनी ये आत्मकथा मैं जेल से लिख रहा हूं। बताना चाहता हूं लोगों को, उस हवेली में जाने की हिम्मत ना करना, चाहे आप बड़े से बड़े 30 मार खां हो, वहां जाकर जो आपको देखने को मिलेगा आप सहन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं जेल में सड़ रहा हूं और सारी उम्र यहीं सड़ता रहूंगा, गुहार लगाता रहूंगा, मैं मासूम हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन कोई नहीं मानेगा। अगर आप भी उस हवेली में गए, आपका यकीन भी कोई नहीं करेगा।